सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम हैं मुंबई से आगरा हम आए हैं, और ये आगरा का दोस्तों जो है आप ये लाल किला, आगरा का ताज और ताजमहल से हम लोग निकलकर और ये लाल किले से होते हुए हम आपको लेकर आए हैं और लेकर जा रहे हैं दोस्तों आगरा से दिल्ली, जो कि यमुना एक्सप्रेस हाईवे किस तरह से बना हुआ है आज हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। इंडिया का नंबर वन हाईवे आप इस जगह को कह सकते हैं। ये बीच में ये हमारी बस है, एसी बस, और ये यहाँ पर ये स्टॉप लिया दोस्तों। यहाँ पर खाने पीने के लिए आप कुल्फ़ी, फालूदा, जो भी चीज़ आप खाना चाहते हैं, नाश्ता वगैरह आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रुक कर नाश्ता कर सकते हैं। और यहाँ से फिर ये बस स्टार्ट हो जाती है दिल्ली के लिए। यमुना एक्सप्रेस हाईवे दोस्तों, लोग तरसते हैं इस एक्सप्रेस हाईवे पर जाने के लिए और बड़ा ही आनंद आ जाता है। मैं समझता हूँ इंडिया का सबसे नंबर वन हाईवे है दोस्तों। इसके आसपास ऐसी तार फिनिशिंग है, कोई कुत्ता, बकरी, गाय, भैंस कुछ भी नहीं आ सकता इस हाईवे के ऊपर। और ये पहला हाईवे है जिस पर कि बाइक का भी टोल लगता है। अगर आप दोस्तों आगरा से आप दिल्ली जा रहे हैं तो आपको 400 रुपये आपको भरने पड़ेंगे अपने टू व्हीलर के, तब ही आप इस हाईवे पर सफ़र कर सकते हैं। भाई हाईवे भी तो इतना जानदार और शानदार है, ऐसा लगता है कि किसी फॉरेन कंट्री के हाईवे पर आप सफ़र कर रहे हैं। इसीलिए तो यहाँ पर दोस्तों जेट, जितने भी फाइटर प्लेन हैं यहाँ पर उतारा जा सकता है। हालांकि ये हाईवे दोस्तों दिल्ली से लखनऊ तक तैयार है और रेडी है, आप जब भी जाना चाहें आप ये जा सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती को आप ये देख सकते हैं दोस्तों। ये यमुना एक्सप्रेस हाईवे, इस एक्सप्रेस हाईवे से आज हम आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक का सफ़र आपको तय कराएंगे और वहाँ की खूबसूरती भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप यमुना एक्सप्रेस हाईवे की खूबसूरती को देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दोस्तों। इंडिया का नंबर वन हाईवे आप इसको कह सकते हैं क्योंकि कोई भी रेड लाइन नहीं है। और आपने दोस्तों ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया चैनल में जाकर आपने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को भी देखा होगा, लेकिन आज हम आपको यमुना एक्सप्रेस हाईवे की खूबसूरती आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टोल प्लाजा आ चुका है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से और हर फैसिलिटीज़ है। अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है, कुछ भी परेशानी होती है, आप कॉल कीजिए, तुरंत आपके लिए हेल्प पहुंच जाएगी दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत और मन को अति प्रसन्नता मिलती है इस तरीके से हाईवे से आप ट्रैवल करते हैं। आगरा से दिल्ली मात्र 3 घंटे के अंदर आप पहुँच जाते हैं अगर इस हाईवे से आप ट्रेवल करते हैं दोस्तों, नहीं तो 6 से 7 घंटे आपको जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड से लगते हैं। ये यमुना एक्सप्रेस हाईवे की खूबसूरती को आप ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत हाईवे। और तो चलिए यहाँ से ये टोल प्लाजा से अब हम आपको आगे लिए चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत, जानदार, शानदार, जिंदाबाद हिंदुस्तान की आन बान और शान यमुना एक्सप्रेस हाईवे में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जब भी आप फोर व्हीलर से जाते हैं, इवन बाय बस जाते हैं, आपको इस हाईवे से जब भी आप जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि वाकई ही इंडिया का नंबर वन हाईवे ये ही है और इतनी खूबसूरती के साथ में इसको बनाया हुआ है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हाईवे, और यहाँ से आप नेपाल तक की यात्रा तय कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं, लखनऊ अगर आप पहुँच जाएंगे, अयोध्या जा सकते हैं, पूरा लखनऊ घूम सकते हैं, कानपुर घूम सकते हैं,
जिस तरह से फास्टेस्ट ट्रेन चलती है, शताब्दी चलती है, वैसे ही इस हाईवे से दोस्तों बसेस चलती हैं। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिल्ली का जो बॉर्डर है आ चुका है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर हम आपको लेकर पहुँचने वाले हैं। और ये यहाँ पर आकर ये जो है यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है, और ये यहाँ से फिर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए अलग से रूट कट होता है। और चलिए हम आपको लेकर चलते हैं नोएडा, और ग्रेटर नोएडा भी आपको इस वीडियो में दिखाते हैं किस तरह से लगता है। ये आप ये देख सकते हैं बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, जिस रास्ते से आप जाना चाहें वहाँ पर आप जा सकते हैं दोस्तों। और मन को बड़ा ही आनंद मिलता है। और आगरा से जो बसें चलती हैं दोस्तों, बालूगंज से चलती है, बालूगंज से हर एक घंटे में एसी बस दिल्ली के लिए चलती है, और उसका किराया जो है मात्र 400 रुपये है, और आप फटाफट आगरा से दिल्ली पहुंच सकते हैं। और बालूगंज से करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ताज महल है। आप घूम के और शाम को 1-2 घंटे में घूम के, दिन भर आप ताजमहल देख के और शाम को वापस अपने घर दिल्ली आ सकते हैं। ये एक्सप्रेस हाईवे इसीलिए इसको बनाया गया हुआ है क्योंकि वंडर ऑफ इंडिया ताजमहल दोस्तों हमारे इंडिया की आन बान और शान है। और ये हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं नोएडा, और ग्रेटर नोएडा की खूबसूरती को हम आपको दिखाएंगे। और ये बस का जो सफ़र होता है सराय काले खां बस स्टैंड पर जाकर समाप्त होता है दोस्तों, जहां पर कि हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, वहीं से ट्रेनें बनकर चलती है। बसेस सराय काले खां बस स्टैंड है, अगर आपको कानपुर, लखनऊ कहीं पर भी जाना है तो वहीं से बसेस आप पकड़ सकते हैं। ये हम आपको इंटर हो चुके हैं दोस्तों, ये यहाँ पर ये हाईवे जो है ख़त्म हो जाता है, और यमुना एक्सप्रेस हाईवे तो पीछे ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन नोएडा से जो सराय काले खां का जो डिस्टेंस है इसको जो बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है, यमुना ब्रिज, यमुना नीचे बह रही है दोस्तों, यमुना नदी, गंगा नदी जैसी पवित्र है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर वो हालांकि पवित्र ही है दोस्तों, सुधार कार्य, शुद्धिकरण पूरा चल रहा है हिंदुस्तान में, और जितने भी पर्यटक स्थल है उनको बहुत ही अच्छा बनाया जा रहा है। और ये हम आपको लेकर, ये समझ लीजिए दिल्ली में हम आपको लेकर एंटर हो चुके हैं। और ये दिल्ली की खूबसूरती और ग्रेटर नोएडा की खूबसूरती को आप ये देख सकते हैं, दिल्ली कैसा बसा हुआ है दोस्तों, बड़ा ही आनंद आ जाता है। आज के इस वीडियो में हमने आपको दिखाया यमुना एक्सप्रेस हाईवे की खूबसूरती, किस तरह से यमुना एक्सप्रेस हाईवे पूरा बसा हुआ, हर एक इंसान की ख्वाहिश रहती है कि यमुना एक्सप्रेस हाईवे कैसा है हम देखें तो सही। तो चलिए, आपने यमुना एक्सप्रेस हाईवे को देखा, कैसा लगा, मज़ा आया तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो लोग इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, जो नेचर लवर हैं, जो नेचर से प्यार करते हैं, मैं नेचर से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए हर 3-4 महीने के पश्चात दोस्तों मुंबई से निकल कर हिंदुस्तान की वादियों में सफ़र करना शुरू कर देता हूँ, और अपने आप को चार्ज करता हूँ। जिस तरीके से हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं वैसे ही हमें अपने जीवन को भी चार्ज करते रहना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, ये ढूंढना चाहिए कि ईश्वर ने हमारे साथ अगर कुछ गलत भी हुआ है तो उसमें भी ईश्वर की कुछ लीला होगी, तो उसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा दोस्तों। हमेशा नेगेटिव में भी अगर आप जब पॉजिटिव ढूंढना शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी आपकी स्वर्ग में बन जाएगी, और जब आपके जीवन में तनाव नहीं होगा
तो आपकी लाइफ में खुशहाली, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब आपके दोस्त हो जाएंगे दोस्तों। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब से दुश्मनी रखो। काम वासना जो है, काम वासना क्रोध को उत्पन्न करती है, और इन सब चीज़ों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब चीज़ों से दूर रहें आप जीवन में, तो आप जिंदगी के उस शिखर को पा सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही था दोस्तों। ये हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं सराय काले खां, यहीं पर रेलवे स्टेशन है और यहीं पर बस स्टैंड है सराय काले खां का। और गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए। और मुंबई की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हैं। और ये दिल्ली का दोस्तों, ये दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर दोस्तों, यहाँ पर आकर हमारा ये यहाँ पर ये समापन होता है। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।